सत्य परेशान हो सकता है लेकिन सत्य पराजित नहीं हो सकता। नमस्कार हिंदुस्तान, ये बात मैं आप सभी से डेवन से बोलती आ रही हूँ। माफ़ कीजिएगा, आज मेरा गला काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, इसलिए थोड़ी आपको आवाज़ भी अजीब सी लग रही होगी, क्योंकि 17-18 जून से जो बोलना आरंभ किया है, कई कई बार ऐसा हो जाता है कि 7-7, 8-8 चैनल्स पर भी डिबेट हो जाती हैं, यूट्यूब पर हो जाती हैं, तो गले पे काफ़ी असर है। लेकिन क्योंकि सच्चाई की लड़ाई लड़नी है, ईमानदारी की लड़ाई लड़नी है, न्याय की लड़ाई लड़नी है, तो बोलते तो रहना ही पड़ेगा। देखिए, हमारी सच्चाई की लड़ाई में जिस पत्रकार ने हमारा इतना साथ दिया और जो दे रहे हैं, मिस्टर अर्णब गोस्वामी, उनके बारे में खबर आप लोगों ने सुनी ली होगी। उन पर एक इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, बेबुनियाद इल्ज़ाम, बिना बात का इल्ज़ाम, कि वो टीआरपीस को मैनिपुलेट करते हैं, उन्होंने टीआरपीस खरीदी हैं जस्ट बिकॉज हिंदुस्तान की आम जनता उनको दिल से सपोर्ट कर रही है, उनके साथ खड़ी है, उनके दोनों टीवी चैनल्स को देखती है और उनको सोशल मीडिया पर भी बहुत सपोर्ट करती है, तो लोगों को लगता है कि इन्होंने खरीदा है। क्योंकि जिन लोगों ने हमेशा खरीद फरोख्त की राजनीति करी है, खरीद फरोख्त की क्या का बिजनेस किया है, जिन लोगों ने हमेशा पैसे देकर के राजनीतिक रैलियां करवाई हैं, 400, 500, 200 रुपए देके, जिन लोगों ने शाहीन बाग में लोगों को पैसे दे करके बिठाया, 500, 300, 200 दिहाड़ी होती थी, बिरयानी खिलाई जाती थी और उसके बाद एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ उनसे कराई, धर्मों के बीच में लड़ाई हुई, एंटी सीए के नाम पे ही दिल्ली को जलाया गया, वो लोगों को लगता है कि जैसे वो करते हैं वैसे ही मिस्टर अर्णब गोस्वामी ने करा। कहते हैं कि तुमने 400 रुपए में 500 रुपए में टीआरपीस खरीदी। मुझे समझ भी नहीं आता। देखिए, बार्क जो होती है एक मॉनिटरिंग एक बॉडी होती है टीआरपीस की, जिसके माध्यम से तमाम जो टीवी चैनल्स हैं हिंदुस्तान के, उनकी जो टीआरपी है उसको मॉनिटर किया जाता है, और बार्क के जो सदस्य होते हैं वो हर एक टीवी चैनल से होते हैं। तो इतना ये कोई छोटा मोटा प्रोसेस नहीं है, ये बड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, प्रॉपर प्रोसेस है। आप कैसे बोल सकते हो कि ये कॉम्प्रोमाइज्ड प्रोसेस है? अगर ये लोग ये बोलते हैं तो आपका कहने का ये मतलब है कि तमाम जितने भी मेंबर्स विभिन्न चैनल्स से वहाँ पर पार्क में हैं, उन सबको अर्णब गोस्वामी ने खरीद लिया है, वो सारे बिके हुए हैं। क्या आप ये बोलने की कोशिश कर रहे हो? अगर ये बोलने की कोशिश कर रहे हो तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। और अगर आप अर्णब गोस्वामी को इसलिए टारगेट कर रहे हो क्योंकि वो सच की लड़ाई लड़ते हैं, चाहे वो पालघर के संतों की लड़ाई हो, उस वक्त भी उन पर कितनी FIR हुई, उनको कितना तंग किया गया, 12-12 घंटे तक उनको ग्रिल किया गया, जो पुलिस वाले जिनकी प्रेजेंस में संत महाराजाओं की हत्या हुई, जिनको लिंच करके मारा गया, उनके बारे में कुछ नहीं किया, उनको छोड़ दिया, उनको सस्पेंड कर दिया, SHO को वहाँ के सस्पेंड कर दिया बस, लेकिन अर्णब के पीछे पड़ गए। उसके बाद अर्णब ने लड़ाई लड़ी सुशांत सिंह राजपूत के न्याय की, उसके बाद दिशा सैलियान के केस को रीओपन करवाने की, दिशा के लिए न्याय की लड़ाई लड़ी, नारकोटिक्स का जो ये धंधा चल रहा है उसको लेकर के उन्होंने अपनी मुहिम रखी और बॉलीवुड को साफ करने के लिए उसकी लड़ाई लड़ी। जिसने भी सच बोला वो साथ में खड़े रहे, जनता के साथ में खड़े, जनता को कभी नहीं छोड़ा। तो आप उस व्यक्ति को सच बोलने की सजा दोगे, उनको बदनाम करोगे? हालांकि हमें मालूम है कि कुछ होने वाला नहीं है। अर्णब गोस्वामी एक सच्चे पत्रकार है, एक अच्छे पत्रकार है और बहुत बढ़िया पत्रकारिता वो करते हैं, जनता के साथ खड़े होते हैं और जनता उनके साथ थी, है और रहेगी, इसमें मुझे किसी भी प्रकार का कोई शक नहीं। लेकिन दुख हो रहा है आज महाराष्ट्र के अंदर ये निकेन प्रकारेण साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल करके उन लोगों को प्रताड़ित करा जा रहा है, कुचलने की कोशिश की जा रही है जो सच बोल रहे हैं। अर्णब गोस्वामी की ही बात कर लीजिए आप, मुझे कोई आश्चर्य नहीं हुआ जब मुझे आज शाम को ये न्यूज़ पता चली कि ऐसा ऐसा मिस्टर गोस्वामी के साथ किया गया। मैं आई वॉज नॉट एट ऑल सरप्राइज, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मुझे लगा कि ये करेंगे ही, क्योंकि जिस तरीके से उनके दो पत्रकारों को बंद किया गया था जेल में और उनको उनके लॉयर से नहीं मिलने दिया गया था, जिस तरीके से वो यूट्यूबर को उठा के उनके घर से फरीदाबाद से लेकर के बंद कर दिया, उनके पेरेंट्स को तक कुछ नहीं बताया, जिस तरीके से 62 ईयर ओल्ड नेवल वेटरन को मारा खुलेआम, एक बच्चे का सर मुंडवा दिया, कंगना के घर में बुलडोजर चलवा दिया, काफ़ी सारे लोगों को ट्रोल उनके पीछे पड़ गए ट्विटर अकाउंट पर, लोगों को चेकिंग करने लग गए, बोलते हैं फेक अकाउंट्स हैं जो सच की लड़ाई लड़ रहे हैं। कितने डरे हुए हैं। इन लोगों ने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुशांत सिंह राजपूत पर नहीं करी, मिस्टर परमवीर सिंह ने SSR पर एक
पीसी नहीं करी, दिशा सैलियान पर एक पीसी नहीं करी, नार्कोटिक्स पर एक पीसी नहीं करी। लेकिन जैसे ही जिस दिन डॉक्टर सुधीर गुप्ता ने ये बात बोली कि वो सुइसाइड थी, ये तुरंत मीडिया के सामने आ गया और इन्होंने अपनी थ्योरी रखनी शुरू कर दी। और उसके बाद जैसे ही कल रिया चक्रवर्ती बरी हुई, बरी तो नहीं हुई है, वो भी होंगी भी नहीं अभी, जैसे ही उनको बेल मिली तो तुरंत आज इन्होंने अर्नब गोस्वामी के पीछे पड़ गया और दो कोई और चैनल्स हैं वहाँ के छोटे लोकल चैनल्स जिनके पीछे पड़ गया। आई एम प्रिटी श्योर, आई डोंट नो वो कौन से चैनल हैं, बट आई एम वेरी कॉन्फिडेंट एंड प्रिटी श्योर दैट दे वुड ऑल्सो बी स्पीकिंग फॉर द ट्रूथ एंड अगेंस्ट देम। अगेन व्हेन आई से अगेंस्ट देम, दैट डज नॉट मीन दैट एनी वन और एवरीबडी इज टारगेटिंग द टॉप कॉप्स ऑफ मुंबई और महाराष्ट्र गवर्नमेंट। दे आर ओनली लुकिंग फॉर ट्रूथ, they are only supporting the truth and opposing the wrongdoings of the government or of the top cops of Mumbai. To aapko itni pareshani kyun hai? I request you all to support the right person who has been standing for the truth, speaking the truth fearlessly, bina kisi dar ke, bina jhuke, bina ruke. Mujhe laga ki mujhe aapse ye baat zarur karni chahiye, isliye maine kari. Dhanyawad, jai hind, जय भारत।